कांग्रेस के घरेलू कलेश नूं लैके बीते कल तक खबरां सन कि कांग्रेस हाईकमान वल्लों बनाई गई 3 मैंबरी कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकमान नूं सौंप सकती है, पर इन्हां खबरां ते थोड़ा विराम लगा है। हुण खबरां हन कि कमेटी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़के ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस के विवाद नूं सुलझाउण लई उह अपनी रिपोर्ट 3-4 दिनां विच कांग्रेस हाईकमान नूं सौंपणगे। उन्हां कहा कि सब नूं नाल लैके चलना है ते पार्टी नूं मजबूत करना है। रिपोर्ट 3-4 दिन होर रोकण दा कारण साबका केंद्रीय मंत्री ते राहुल गांधी दे नज़दीकी मन्ने जांदे जितिन प्रसाद दा बीते कल भाजपा शामिल होना दस्या जा रहा है। इन्ना ही नहीं, खबरां ये भी ने कि नवजोत सिंह सिद्धू दा एक बार फिर पेचा अड़ गया है। तुहानू दस दईए कि बीते कल मीडिया च खबरां सन कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है ते सूबे च 2 उप मुख्यमंत्री ते 2 सूबा प्रधान हो सकते ने। अजिहे च सिद्धू दा एक बार फिर पेचा फसना कई तरह के सियासी दा पेच ते सवालां नूं जन्म दिंदा है। एक निजी चैनल मुताबिक सूबे च मुख्यमंत्री दा चेहरा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होणगे, जबकि सिद्धू नूं उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस विच इस बार छिड़े विवाद तो बाद कांग्रेस हाईकमान ने मल्लिकार्जुन की अगवाई हेठ 3 मैंबरी कमेटी बनाई सी, जिस अगे मुख्यमंत्री कैप्टन सने कई विधायक ते कांग्रेसी लीडर ने अपने पक्ष रखे, जिस तों बाद कैप्टन धड़ा सरगर्म है ते सिद्धू धड़ा थोड़ा शांत दिखाई दे रहा है। हुण देखना यह होवेगा कि सिद्धू कैप्टन विवाद आखिर कदों तक जारी रहिंदा है।